जय श्री कृष्ण दोस्तों, सृष्टि ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। तो एक छोटी सा विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने आज, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और यह रात्रि 9:35 तक है। इसके बाद में अमावस्या तिथि का उदय होगा। मैंने वीडियो में बताया था 108 हनुमान चालीसा का, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 108 बार पाठ करना, प्राय 12 बजे ही करना है। लेकिन अभी अमावस्या तिथि 9:35 से शुरू हो रही है, तो आप 9:35 से भी इस जाप को शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार आप करें तो अति श्रेष्ठ रहेगा। शनि अगर किसी भी तरीके से पीड़ित हैं या पीड़ा दे रहे हैं, और यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक है, अर्थात इस तिथियों में चंद्रमा का अस्तित्व नहीं होता, यदि आपका रात्रि को जन्म है तो सूर्य भी आपका कमज़ोर मिलेगा। यदि सूर्य चंद्रमा आपके साथ हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, तो सूर्य चंद्रमा दोनों का बल निर्बल हो जाता है। तो उसको मजबूत करने के लिए भी आप अमावस्या तिथि को जाप कर सकते हैं। दशरथ के शनि स्तोत्र का जाप आप कीजिए, आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, हर तरीके की बाधाएँ दूर होंगी। और यदि आप मकान वाहन का सुख चाहते हैं तो भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करना है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके 108 बार आपको पढ़ना है। आसन मोड़कर दाहिने हाथ में सीधे हाथ में जल लीजिए और जो भी गलती है उसकी क्षमा मांगिए। ये आपको करना है 108 बार। आप कोई सी भी चालीसा पढ़ सकते हैं, जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, आपको परेशानी हो, आप कर सकते हैं स्तोत्र चालीसा। इसके अलावा कल शनि जयंती है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। यह 22 मई रात्रि 11 बजे तक रहेगी, अतः आप शनि के स्तोत्र का भी जाप कर सकते हैं। मेरे विचार से दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, और इस दिन आप शनि देव को काले तिल, काली उड़द मिलाकर खिचड़ी बनाइए, थोड़ा शक्कर मिलाइए, कौवे को, चींटियों को, गाय को और कुत्ते को खिलाइए, और खुद भी प्रसाद रूप में बांटिए। फिर देखिए आप कैसे शनि आपको शुभ रिजल्ट देते हैं। सिर्फ इतना ही करना है, और जो नक्षत्र रहेगा 9:35 के बाद भरणी नक्षत्र रहेगा 1:30 बजे तक करीबन, जो शुक्र का नक्षत्र होता है, इसके बाद में कृतिका नक्षत्र चलेगा जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, जो भी समस्याएँ हैं आपकी वो दूर हो जाएंगी। तो आज से जो शुरू कर रहे हैं 108 हनुमान चालीसा, वो संकल्प लेकर अवश्य करें कि 108 उनको पढ़ना है। और ऐसा आप 21 बार जब करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, तो आपकी हर मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाएगी, हर सुख आपको प्राप्त होगा। बस इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।